हमारे सोसाइटी में ऐसा बना हुआ है कि इस एज के बाद आपको शादी करनी है। बॉयज़ के लिए भी है क्योंकि आप अर्न करना शुरू कर चुके हो और अब आपको अपनी फैमिली स्टार्ट करनी है तो आपको एक शादी करनी है। और ऑफ कोर्स शादी करके आओगे तो घर संभालने वाली कौन है? आपकी बीवी। एडजस्टमेंट और सैक्रिफाइस केवल औरतों को ही करना पड़ता है, ज़्यादा ना कम। हमेशा से मर्द को ही प्रधान बनाया गया ना, तो अगर वो मेरी सोच है तो उसको लगता है कि हाँ ये तो एक लेडीज है, इसकी सोच मैं आगे कैसे जाने दे सकता हूँ। India has almost doubled the size of its economy to become one of the fastest growing nations in the world over the last decade. Yet, more than 19.6 million Indian women quit their jobs during the same time. The female employment rate fell from an already low 35% in 2005 to just 26% now in 2018. That's a 10% drop. If all of these women were to be put together as a city, it would be the third most populated city in the world. With all the talk of women empowerment and the enrollment rate of girls in higher education at an all-time high, this comes as a surprise. So where are these women going? मेरे मम्मी पापा ने मेरी शादी 16 साल की उम्र में तय कर दी और तय करने के बाद मुझसे बोला गया कि देखो सारी लड़कियों की इसी एज में तो होती है शादी। उस समय में मैंने वो शादी की और क्योंकि शादी से पहले ही हमारा लेटर आने वाला था परमानेंट का, मैंने अपने ससुराल वालों से बोला कि मुझे लेके चलो परमानेंट नौकरी है, लेकिन उन्होंने बोला नहीं ऐसा नहीं होगा, हम नहीं लेके जाएंगे। मैंने 1989 में टेक्सटाइल डिजाइनिंग का डिप्लोमा कंप्लीट किया। उस समय मैं इलाहाबाद में थी, क्योंकि इलाहाबाद में कोई टेक्सटाइल मिल्स नहीं थी इसलिए जॉब ऑफर जो आई थी वो सूरत से आई थी। पर ब्रदर ने फिर मेरे को सूरत नहीं भेजा कि बाहर जाके सेफ्टी एंड सिक्योरिटी नहीं होती है और अभी लड़कियां हैं इसलिए नहीं जाना, तो मैं नहीं गई थी। तो उनको ये डर था अगर हम इसको लेके जाते हैं तो ये हमसे दुगना पैसा कमाएगी, दुगना पैसा कमाने के बाद में हमें तो ये बिल्कुल नीचे कर देगी, जो कुछ मनवाना है इसको जो कुछ करना है ये अपनी मर्जी से कराएगी जो आज तक हम करवाते आ रहे थे। मैरिज होने के एक साल के अंदर ही मेरी बेटी हो गई तो इसलिए पीएचडी मेरी कंप्लीट नहीं हो पाई। बट जब मेरी सेकेंड डॉटर ने भी स्कूल जाना शुरू किया, नर्सरी में जा रही थी, तब मैंने खुद एनटीटी ज्वाइन किया, मेरी अच्छी पोजीशन आई थी और वहीं पे मेरे को जॉब ऑफर हो गया। पर उसके बाद दूसरी जगह शिफ्ट होना पड़ा तो फिर मेरे को वो भी छोड़नी पड़ गई बच्चों की वजह से। कुछ तो ये था कि पूरे टाइम बच्चे को देखेगा कौन घर में, ये प्रॉब्लम थी। दूसरा सैलरी बहुत कम देते थे तो इसलिए फिर हस्बैंड ने मना किया कि कोई फ़ायदा नहीं है, टाइम ज़्यादा एक्सपेंड करोगे और फर्स्ट प्रियोरिटी बच्चे हैं, अभी थोड़ा छोटे हैं, बच्चे दोनों के होते हैं तो इक्वल होना चाहिए, लेकिन जो हमारा इंडियन कल्चर है उसमें कोई भी चीज़ इक्वल होती ही नहीं है। हमेशा से मर्द को ही प्रधान बनाया गया ना, तो अगर वो मेरी सोच है तो उसको लगता है कि ये तो एक लेडीज है, इसकी सोच मैं आगे कैसे जाने दे सकता हूँ। इस दौरान मुझे सपोर्ट बहुत ज़्यादा चाहिए था, कोई अगर एक भी आके मुझे ये बोलता कि हाँ मैं साथ दूंगा तो वो समझो मेरी लाइफ का सबसे अच्छा मौका था और अच्छा पूरा जीवन ही अच्छा बन जाता मेरा। Even if women are allowed to work by their male family members, they're constrained to certain types of jobs in industries, those that are considered suitable for women. मेंटालिटी लोगों ने जो बना रखी है अपनी कि नहीं वो उनको केवल टीचिंग जॉब करनी है या जो घर में रह के जॉब काम कर सकते हैं वो बेटर है, अगर बिजनेस करने भी आप जाइए तो भी उनको लगता नहीं आप घर से बैठ के मैनेज कर लो, बाहर आप जाते हो तो फिर कैसे करोगे। या जो लेडीज़ बाहर कर रही है तो बुटीक वगैरह का काम करती है, पार्लर का काम करती है, मोस्टली फील्ड वर्क कम ही होता है लोगों का। एज पर डेटा फ्रॉम अ सर्वे, द फास्टेस्ट ग्रोइंग सेक्टर्स सच एज टेलीकॉम, बैंकिंग एंड द कोर सेक्टर्स आर ऑल डोमिनेटेड बाय मेन, एंड व्हेनेवर अ वुमन ट्राइज टू एंटर दीज सेक्टर्स she is either not hired or is met with questions about her capabilities.
अभी भी मैं जिस फील्ड में हूँ, जब भी मैं किसी से बात करती हूँ तो लेडीज़ हो या जेंट्स हो, सबसे पहले वो यही कहते हैं, अरे आप फीमेल होते हुए रियल इस्टेट का काम कैसे करते हो, बहुत तरह के लोग मिलते हैं, इसमें क्लाइंट्स डिफरेंट होते हैं, तो फिर आप कैसे मैनेज करते हो। Even if they manage to overcome these hurdles and acquire jobs of their choice, the work environment is not conducive to their growth. Where I was working, that was an export house, and there they were not having the maternity leave policy. So I quit my job, and they tried to convince me and other people also that once you are back, once you are okay with your, things are settled at your home, then we can again reappoint you. They didn't have to pay you the 3 months maternity leave, because at that time, 8 years back, it was 3 months maternity leave. Plus, if some employee, women employee is working since long, so they break their appointment, and then if the person is really very good, they promise to reappoint the person so that they, save the money, the gratuity, which you have to earn, if you are working since more than 5 years or so. So they are saving money on both the parts. If a girl is unmarried and has come for an interview, so you have to ask what are the marriage plans. या अगर शादी हो चुकी है तो फैमिली वे का क्या प्लान है आपका. तो इट्स लाइक कि आप आए हो, आपने काम करना स्टार्ट किया, 2 महीने हुए, 3 महीने हुए, एंड सडनली यू आर टेलिंग अस सॉरी आई एम ऑन माई फैमिली वे. तो थिंग्स आर स्टैंड स्टिल हो जाती हैं आपके लिए, कि अभी आपने 3 महीने पहले किसी को रखा, एंड थिंग्स आर कमिंग ऑन योर HR डिपार्टमेंट, कि आपने क्या सोच के कैसे रखा था. यू हैव टू टेक केयर ऑफ एवरीथिंग बींग इन HR. So I myself was into such kind of position where ना चाहते हुए भी मुझे पूछना पड़ता था, और मेरे साथ खुद मेरा हुआ भी ऐसा. Companies were of this mind frame that female staff है तो हमें उसके साथ में बहुत सारे concerns होंगे, वो देर तक काम नहीं कर सकते, वो फिर maternity leave पे भी जाएंगे, कहीं उनकी शादी आ जाएगी, कहीं कुछ आ जाएगा, तो let's avoid female staff and keep the male staff. So why should we care? I could give you all that BS about basic human rights, but here's something that you might actually care about. If all these women were to participate in the workforce at par with men, India's GDP could increase up to 60% by 2025, making India richer up to 27%.